रामचरित्र मानस के अंतर जितने भी कांड हुए, लेकिन पहला ऐसा मंच कि जहां पर गुरुजनों की बुद्धि से लंका कांड, क्योंकि जहां पर ही रामायण और रावण का संहार हुआ और रावण की समाप्ति हुई, ऐसा कांड पावन और पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस समिति के निर्देशों का पालन करते हुए लंका कांड पेज नंबर 874 और दोहा नंबर 99 की पहली चौपाई और प्रसंग त्रिजटा और सीता जी। समय की बात है एक समय की बात है वर्ष कई बीते समझा रही बहे असुवन की सभी भक्त सुनो लगाकर ध्यान। 874 पेज है और वो कांड है लंका कांड, तो देखिए क्या होता है। जाओ।
हमारे बीच में भजन मंडली के खास श्रोता हमारे बड़े भैया आदरणीय नरेंद्र पटेल जी सूरजपुर पीछे मंच पे आ गए जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि YouTube चैनल बाद में शुरू हुए। मैं आपको बता दूं कि Facebook लाइव के माध्यम से हमारे नरेंद्र पटेल साहब ने कई सालों पहले ही इन कार्यक्रमों को हम दर्शकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। ये हर जगह अपनी उपस्थिति देते हैं और वहां से लाइव प्रोग्राम दिखा देते हैं हमें कि कहां क्या चल रहा है। आइए महेश भैया को सुनते हैं। दोहा नंबर 99 की पहली चौपाई। तीन सीता पाही जाई तेरी जट करी सब कथा सुना। सिर भुजबादी खुन तेरी बुकेरी सीता उर भई घास घनेरी। उस रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर कथा सुनाई और शत्रु का सिर भुजा वाली और सीता जी का हृदय बड़ा भय हुआ। बहु विधि कर विलाप जानकी। ये छठवीं चौपाई है दोहा नंबर 99 की। बहु विधि कर विलाप जानकी करी करी सुन कृपान। उदह त्रिजटा सुन राजी कुमारी सरला जग मर मुरारी। त्रुधा निधान श्री राम जिंदगी के बाद जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप करती है और कहती है प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को याद करते हुए कि कई वर्ष बीत गए हैं प्रभु श्री राम कब आओगे। हो प्रभु राह जाने मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। हो प्रभु राह तकते तकते मेरा दम निकल न जाए। वो मुझे मौत भी जो दुख भरी दास्तान है। हो प्रभु राह तकते तकते मेरा दम निकल न प्रभु राह तकते तकते मेरा दम निकल सोचने वाली बात। एक नारी जो कई वर्ष बीत गए अकेली बैठी है अनजानी जगह पर, वहां पर चारों ओर
खतरा ही खतरा है और भय है। आज बड़ी विचार की बात आ जानकी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को याद करते हुए कहती है, ओ प्रभु याद में तुम्हारी, प्रभु याद में तुम्हारी आंसू और जपते जपते न जाने इसे क्यों लगता है तेरी जटा समझाती है क्या कहती है। तेरी जटा कहती है मैं तो हूं वो सीता तू मुझको बता दे। ओ सीता तू मुझको बता दे, चाहे तू क्या और इतना तू मुझको बता दे, चाहे तू क्या। तो फिर जटा कहती है सीता जी से, इतना बता दे मुझको, चाहू सीता तुझको बता दे मुझको, मुझको भी दिल्ली की बता दे, देखिए आगे क्या होता है। हमारे परम मित्र हमारे नरेंद्र भैया पटेल रघुवंशी जी, जिन्हें भोलू पटेल के नाम से जानते हैं, सूरजपुरी की ओर से 1001 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और हमारे राजू भैया मां साहब, शिक्षक साहब विजय जी, श्री प्रकाश जी धुर्वे जनाब साहब, पन रक्षक डाबरी, श्री धन्नालाल जी सचिव साहब डोडराम, और हमारे सुभाष भाई काजले, इनकी ओर से 501 रुपए की राशि, और हमारे सचिन भाई रघुवंशी खरार।